गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन आर ऑनलाइन क्लासेस बाय सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल। वी आर रीडिंग द चैप्टर हेल्थ एंड डिजीज एंड वी आर रीडिंग द टॉपिक सम ऑफ द वेज इन विच दीज डिजीजेस स्प्रेड आर डिस्कस्ड बिलो। लास्ट टाइम हमने कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ा था, मीन्स ऐसी बीमारियाँ जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती हैं। आज हम कुछ दूसरे तरीके पढ़ेंगे जिनसे ये बीमारियाँ एक दूसरे में फैलती हैं। इसमें सबसे पहले थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मीन्स सीधे संपर्क में आने से। अ हेल्दी पर्सन कैन गेट जर्म्स बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, हिज क्लोथ और अदर थिंग यूज्ड बाय हिम। एक स्वस्थ व्यक्ति एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से जर्म से प्रभावित हो सकता है। हिज क्लोथ और अदर थिंग यूज्ड बाय हिम, उसके कपड़े या दूसरी उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करने से। चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म, वोपिंग कफ, मेजल्स आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि चिकन पॉक्स, चेचक, रिंग वॉर्म, दाद, वोपिंग कफ, काली खांसी, मीजल्स, खसरा, ये सभी सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। थ्रू एयर, हवा के द्वारा। कॉमन कोल्ड, फ्लू और मीजल्स आर स्प्रेड थ्रू द एयर। सामान्य जुखाम, फ्लू या खसरा, ये सभी हवा के द्वारा फैलते हैं। When a sick person sneezes or coughs, large number of germs are released by him in the air. जब एक बीमार व्यक्ति छींकता है, खांसता है, तो एक बहुत बड़ी संख्या में कीटाणुओं को हवा में फैला देता है। When this air is breathed by a healthy person, जब इस हवा में कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है, ही कैन गेट इन्फेक्टेड बाय द डिसीज, तो वो भी इस बीमारी से संक्रमित हो सकता है। थ्रू फूड एंड वाटर, खाना और पानी के द्वारा। मैनी जर्म्स कंटेमिनेट फूड एंड वाटर, बहुत सारे कीटाणु भोजन को और पानी को संक्रमित कर देते हैं। डिजीजेस लाइक टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस एंड फूड पॉइजनिंग स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। बीमारियां जैसे कि टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस और फूड पॉइजनिंग, ये सभी संक्रमित खाने और भोजन के द्वारा फैलते हैं। मिल्क फ्रॉम इन्फेक्टेड काउज मे ऑल्सो केस इन्फेक्शन, और संक्रमित गाय का दूध भी इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। थ्रू इंसेक्ट्स बाइट, कीड़े मकोड़ों के काटने से। सम इंसेक्ट्स आर द कैरियर ऑफ जर्म्स, कुछ कीड़े मकोड़े कीटाणुओं का वाहक होते हैं, यानी कीटाणुओं को एक से दूसरे में ले जाते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैरी डिजीज केजिंग जर्म्स आर कॉल्ड वैक्टर्स, और ये जीवित प्राणी जो बीमारियों जो कीटाणु बीमारी वाले कीटाणुओं को ले जाते हैं, उनको वैक्टर्स कहा जाता है। वैन दीज वैक्टर्स बाइट अ सिक पर्सन, दे शक इन ब्लड कंटेनिंग जर्म्स ऑफ द डिजीज, जब ये वाहक किसी बीमार पर्सन को काटते हैं, तब वे खून के द्वारा उस बीमार व्यक्ति के कीटाणुओं को चूस लेते हैं। दीज जर्म्स आर पास्ड ऑन टू अ हेल्दी पर्सन व्हेन द इंसेक्ट्स बाइट हिम, और जब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति में वे कीटाणु चले जाते हैं।
The common diseases spread by insects bite are malaria, dengue, etc. कुछ सामान्य बीमारियां जो इन कीड़े मकोड़ों के काटने से होती हैं वो है मलेरिया, डेंगू इत्यादि। थ्रू कैरियर्स, वाहक के द्वारा। समटाइम्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन मे कैरी जर्म्स ऑफ सम डिजीज लाइक टाइफाइड, डिसेंट्री एंड स्मॉल पॉक्स। कई बार स्वस्थ और ताकतवर व्यक्ति कीटाणुओं को बीमारी वाले कीटाणुओं को जैसे टाइफाइड, डिसेंट्री और स्मॉल पॉक्स इनको ले जाता है। दीज पर्सन आर कोल्ड कैरियर्स। इन व्यक्ति को कैरियर्स मीन्स वाहक कहा जाता है। सच कैरियर्स डू नॉट डेवलप डिजीज इन themselves, बट मे ट्रांसफर द जर्म्स ऑफ द डिजीज इन दोज हु कम इनटू देयर कॉन्टैक्ट। इस तरह के वाहक अपने अंदर बीमारियों को विकसित नहीं करते, लेकिन उन कीटाणुओं को दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और उनको बीमारी कर देते हैं। द फीमेल मॉस्क्यूटो शक्स ह्यूमन ब्लड विच हेल्प इट टू ले एग्स। मादा मच्छर इंसानों का खून चूसती है जिससे वो अंडे देने में सहायता करती है। मेल मॉस्क्यूटोज शक अप ओनली वाटर एंड प्लांट जूसेस। नर मच्छर केवल पानी और पौधों के रस को चूसते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।